हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज वर्ल्ड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। अभी अभी मैंने एक व्लॉग स्टार्ट किया है आपके साथ माय प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि आपने ऑलरेडी देख चुका होगा ये वाला। सो उसमें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी, बिकॉज अभी अभी मुझे निकलना है मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। प्री बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रही हूँ ये सब कुछ उस वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। सो अभी मैं फिलहाल एक गेट रेडी विथ मी शूट करने वाली हूँ, क्विक एंड हरी। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होने वाले हैं, मिनिमम मेकअप होने वाला है, बिकॉज मुझे पूरे दिन के लिए जाना है और अभी मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। सो मैं ऐसा मेकअप करूँगी कि विद इन 5 मिनट वो हो जाए। सो चलिए मैं आपके साथ अपना मेकअप शेयर करती हूँ। एंड यस, ये एक चिटचैट काइंड ऑफ मेकअप लुक होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी मिनिमम मेकअप के लिए, बिकॉज मैं बहुत जल्दी में हूँ आज, तो मैं जल्दी जल्दी सारा मेकअप करूँगी। विद इन 5 मिनट मैं इसे फिनिश कर दूँगी। सो यस, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। तो एज़ यू गाइज कैन सी कि मैंने मॉइस्चराइजर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और फिलहाल मैं निविया का ही मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे विंटर्स के लिए वही परफेक्ट लगता है और अभी भी यहाँ विंटर्स चल रहे हैं। सो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन अल्ट्रा बेस फेस प्राइमर। बिकॉज प्राइमर फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे भी दिन भर मैं बाहर रहने वाली हूँ, हो सकता है मैं मार्केट वगैरह भी जाऊँ, तो इसलिए प्राइमर आपके मेकअप को अच्छे से स्टे रखेगा। सो यस, प्राइमर हो गया है डन। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पे मैं कोई भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट सीसी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे की। सो यस, लैक्मे 925 सीसी क्रीम, बिकॉज मुझे एक मिनिमम सा लुक चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं। एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक रीजन ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, तो जितना भी है मैं केवल उतने पे ही अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आप बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम से मेकअप करें तो पूरे बेस अप्लाई करने के बाद एक बार आप चेक कर लें, जहाँ भी आपको डार्क स्पॉट लगे वहाँ पे इसे आप एज अ पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे कुछ ब्यूटी स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे मैं इसे वापस से अप्लाई कर रही हूँ, जिससे वो थोड़ा सा इनविजिबल हो जाए। नेचुरल मेकअप के लिए मुझे परफेक्ट लगता है बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम से ही मेकअप करना। तो ब्लेंडिंग अच्छे से हो चुकी है, अब हम इसे सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट। तो यस, मेकअप बेस हो गया है अच्छे से सेट। अब बढ़ते हैं आईज़ की तरफ। तो आईज़ के लिए भी मैं काफ़ी मिनिमम रखने वाली हूँ, बिकॉज डे टाइम है, तो डे टाइम में मैं ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए चलते हैं अब आईज़ की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईब्रोज से। तो आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये फ्लेमिंगो का आईब्रो ब्रश, जिसके एक साइड में इस टाइप से स्पूली दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड में ये पेंसिल है, जो कि काफ़ी परफेक्ट कलर आता है इससे। आईब्रो फिल करते टाइम जितना आप अपने हैंड्स को लाइट रखेंगे उतना अच्छा वो आईब्रो फिल होगा एंड काफ़ी आपको नेचुरल एंड सटल लुक मिलेगा इससे। वैसे तो इसके पीछे भी स्पूली दिया हुआ है, जैसा कि मैंने मेंशन किया था ये,
बट मेरे लिए बेस्ट स्पूली आज तक ये रहा है एंड ये परफेक्ट आपके आईब्रोज को एक शेप देता है। सो आईब्रोज हो गए कंप्लीट, अब चलते हैं आई शेडो की तरफ। तो आई शेडो के लिए मैंने कोई सेपरेट पैलेट नहीं लिया है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंगल पैलेट यूज़ कर रही हूँ, वो है मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का ब्लश पैलेट। और ये सिंगल पैलेट मैं सारी चीज़ों के लिए यूज़ करने वाली हूँ इंक्लूडिंग आई शेडो। तो यहाँ पर आप ये शेड देख रहे हैं ना, ये लास्ट वन काफ़ी प्यारा सा ये ट्रांजिशन शेड है। तो मैं इसे एज अ बेस और एज अ आई शेडो आप जो भी बोलिए, मैं ये सिंगल कलर अप्लाई करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ आई शेडो ब्रश। एंड देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड यस, आई शेडो मैं सिर्फ क्रीज तक ही अप्लाई कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, और ना ही आउटर कॉर्नर पे मैं कोई डार्क शेड लगा रही हूँ, मैं इसे सिर्फ एज अ सिंगल शेड रख दूँगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई लाइनर। मैंने पहले सोचा था कि मैं आई लाइनर अप्लाई करूँगी, बट अभी मेरा मूड चेंज हो गया कि मैं आई लाइनर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो जब भी आप आई मेकअप सिंपल रखें ना, तो बेस्ट वे या तो कोई कलरफुल आई लाइनर अप्लाई करिए या फिर कलरफुल काजल। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्लम का जेमस्टोन ग्रीन, मेरा ऑल टाइम फेवरेट काजल। यस, ये रहा, ये काफ़ी प्यारा सा ग्रीन शेड देता है एंड इसका नाम है यस जेमस्टोन ग्रीन, बहुत ही परफेक्ट शेड आता है इससे। तो मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ। सो यस, सेम काजल को मैंने अपनी लोअर आईलिड एंड अपर आईलिड दोनों पे अप्लाई कर लिया, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर आ रहा है। अब आते हैं ब्लश पे। तो ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का ये ब्लश पैलेट। एंड इसमें ये दो शेड मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूँगी। एंड हाइलाइटर के लिए भी मैं सेम पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से ये हाइलाइटिंग शेड अगेन बहुत ही पसंद है मुझे और काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। और थोड़ा सा मैं फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मैं अलग से कोई भी ब्रॉन्जर वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं कंटूरिंग करूँगी, बिकॉज कंटूरिंग की मैं वैसे ही बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ और डे लुक के लिए कंटूरिंग मुझे वैसे भी नहीं पसंद है। सो यस, हाइलाइटर एंड ब्लश हो गए अप्लाई। सो यस, अब चलते हैं मस्करा की तरफ, बिकॉज मैं कोई भी फॉल्सेस वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, फुल डे के लिए जा रही हूँ तो फिर फॉल्सेस क्यों अप्लाई करना। तो मस्करा मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं, बहुत से मेरे फेवरेट भी हैं, बट लैक्मे आइकॉनिक कर्ल ऑन मस्करा, इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और ये काफ़ी, अगर आप कोई लॉन्ग लास्टिंग मस्करा ढूंढ रहे हैं ना, तो उसके लिए तो ये परफेक्ट है। वेट एंड वाइल्ड भी सही है, बट उतना ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, और ये मुझे परफेक्ट लगता है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आपके आईलैशेस को। सो यस, बाकी सारे मेकअप हो गए डन, अब आते हैं लिपस्टिक पे। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 प्राइम प्लस मैट, और इसमें मेरा शेड है कैरमल कट, जो कि एक बहुत ही प्रीटी सा न्यूड शेड है। मैंने लिप बाम ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था एंड न्यूड लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी आउटफिट के साथ भी ये परफेक्ट जाने वाला है। सो यस, लिपस्टिक डन।
अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो कि है मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे भी मैं ऑल डे के लिए जा रही हूँ तो मेकअप सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। सो करते हैं अपना मेकअप विद द हेल्प ऑफ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। सो यस, विद इन फ्यू मिनट्स मेकअप सेट हो जाएगा एंड बैकग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है थोड़ा सा इग्नोर करिएगा बिकॉज आई कॉन्ट हेल्प इट आउट। सो मैं आपसे मिलती हूँ हेयर एंड ईयर रिंग्स के बाद। सो यस गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। अभी मुझे हेयर स्ट्रेट करना है बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो मैं जल्दी से हेयर स्ट्रेट करूँगी और मैं निकल जाऊँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना मेकअप लुक ही अच्छे से शेयर कर दूँ। सो यस, ये है वो मेकअप लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए एंड बहुत ही जल्दी जल्दी किया है। सो जो भी था यही था, और व्लॉग आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, उसमें आपको फाइनल पूरा लुक दिख गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मैं लिंक आई बटन पर दे दूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, आपको मज़ा आया होगा देखने में। इफ़ यस, देन मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।